कभी हरी भूमि के रूप में जाना जाने वाला और अब अलीगढ़ के रूप में देश और दुनिया के अंदर अपनी छाप को छोड़ने वाले अलीगढ़ की आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, आपने यहां से विधायक के रूप में सीएमओ प्रधान को चुना, वे पहले राज्य सरकार में मंत्री बने, अब वह संसद के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा चुनाव के दौरान 2022 में अपना आशीर्वाद सीएमओ प्रधान को दिया गया, इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और श्री सतीश गौतम को और अनूप प्रधान को फिर से सांसद बनाने के लिए आप सभी का अलीगढ़ हाथरस की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बहनों भाइयों, ये सच है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास के साथ रोजगार भी चाहिए, लेकिन इन सब की आधारशिला है सुरक्षा। सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, सुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए पंख नहीं लगाए जा सकते, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि भारत का सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज युवा कभी नौकरी करने के लिए शहर में जाता था, आज वे लोग सरकार के साथ मिलकर के युवा के पास जा रहे हैं कि चलिए आपके लिए हम नौकरी दे रहे हैं, आइए आप अपनी स्किल के अनुसार नौकरी प्राप्त करिए, हम आपकी क्षमता का उपयोग करते हुए आपके रोजगार और सम्मानजनक जीवन की उचित व्यवस्था देंगे। मेरे भाइयों, आज यहां पर 63 से भी कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहां पे बनाया गया है। यहां के उद्यमियों को, यहां के युवाओं को ले स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन देना भी यहां पर लगाया गया है और युवाओं के सपने को उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से दशकों से आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रूपये की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जा रही है। मेरे भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, साथ ताने वाले को छिन्न भिन्न कर रहे थे, विकास की योजनाओं में भी जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ किया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से लोग प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होगा। बहनों भाइयों, विकास आज आपको दिखता है, मकान हर एक का कोई भेदभाव हुआ, बिजली सबको कोई भेदभाव हुआ, रोजगार सबको कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी,
किया है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के लिए, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा। Yeah।
सत्ता से बाहर हुए, आज भी उनके कारनामे बंद नहीं हुए हैं, आज भी वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है, क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेश्रमी के साथ ये लोग तत्पर में देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, थोड़ा देश स्तब्ध है, दुखी रहे, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेश्रमी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन गरीबों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निशान बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहन और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय में घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विश्वमान सामाजिक पाने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना में काम हुआ है। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में
इन परिवारों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, जिससे हर घर में रसोई गैस चल सके। बहनों और भाइयों, आज सड़क में भेदभाव नहीं, बिजली में भेदभाव नहीं, स्पोर्ट्स के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने तो अब स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी देने प्रारंभ कर दिए। आपने देखा होगा अभी एक पाल नौजवान लड़का राजकुमार पाल ओलंपिक में भारत इंडिया हॉकी टीम के साथ में खेल रहे थे और ओलंपिक में भारतीय टीम ने मेडल जीता। राजकुमार पाल उत्तर प्रदेश का नौजवान है, अपने का इसको डिप्टी एसपी की नौकरी देंगे, सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। आपने देखा होगा पारूल चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में चीन की खिलाड़ी को हराया, हमने कहा इसको डीपीएससी बनाएंगे, हमने उसको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। बहनों और भाइयों, 500 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुके हैं और आज मैं खैर वालों को भी एक खुशखबरी दे रहा हूं कि आपका मिनी स्टेडियम का शिलान्यास आज यहां पर चौधरी, कोई राजकुमार पाल, ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे नौकरी की गारंटी भाजपा की डबल इंजन की सरकार निभाएगी, उसको पक्की नौकरी देंगे, देश का सम्मान बढ़ाइए, बाकी ये जिम्मेदारी हमारी होगी। और भाइयों, विकास की जितनी योजनाएं यहां की आई थी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को हमने भेजा था, श्यामू प्रधान जी को हमने भेजा था, संदीप को भेजा था, यहां के सांसद सतीश गौतम जी को भेजा था, अमित प्रधान जी को भेजा था, ठाकुर जयवीर सिंह जी को भेजा था, हमने कहा कि सभी लोग जाओ भाजपा और लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठो और जो भी विकास की योजनाएं सड़क की है, बिजली की है, पानी की है और भी खेल की है, स्कूल की है, स्किल डेवलपमेंट की है, एक साथ सबको स्वीकृत करवा रहे हैं, क्योंकि 2022 में खैर की जनता ने तो प्रधान को चुनाव जिताया था, वो सांसद हो गए हैं, इसलिए जनता को आश्वस्त करने के लिए हम सब आपके साथ में 200 स्टेशन यहाँ के लिए स्वीकृत कर रहे हैं, उसका शिलान्यास हो गया, जितने पत्थर लगे हुए सब उसके सड़क जितनी भी लगभग 40-38 के आसपास सड़कें, उन सड़कों के नव निर्माण के लिए, उन सड़कों की मरम्मत के लिए भी पैसा जारी हो गया है और उसके लिए भी आज आप लोगों को बधाई देने के लिए लाया हूं। ये विकास मिनी स्टेडियम हो, सब स्टेशन हो, सड़कों का हो, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का हो, स्वास्थ्य केंद्रों का हो, कुल और कुड़ियों का हो, बहनों और भाइयों, ये विकास आज आपको प्राप्त होगा। मैं तो केवल आपसे यही बात कहने के लिए आया हूं, जिनके पास कार्य नहीं मैं विकास का विरोध कर रहा हूं, जिन्होंने अपने समय में कोई कार्य नहीं किया, कारनामे किए, जब बेटी के साथ छेड़छाड़ होती थी तब वे कहते थे कि लड़के हैं गलती कर लेते हैं, यही कहते थे ना समाजवादी पार्टी के लोग। बहनों भाइयों, अब ऐसा नहीं कोई बोल सकता, बेटी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, और आज आपने देखा होगा जब यहां पे श्री राधा श्री कृष्ण के रूप में दो बच्चों का अनुप्राशन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपने देखा होगा वो बेटी तो आते ही एकदम हंसने लग गई। आपने देखा होगा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और वहां एकदम उसको लग रहा था कि हां हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं, प्रदेश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए वो आ रही थी। और आपने देखा अपने प्रशासन के साथ जैसे वो बेटी पहली बार अंतकरण की तो उसकी हंसी देखते हुए बन रही थी, इसका मतलब वो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त थी और इस आश्वस्ति का भाव हम सब नागरिकों को हर बेटी को देना होगा, हर बेटी को देना होगा, क्योंकि तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। और उसी भाव के साथ अन्न प्राशन का एक कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात फिर से आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बहुत
गुंडा चुप्पी करने वाले फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी का वो ब्रांड है जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। जिनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर देंगे, नौजवानों को प्लान के लिए मजबूर कर देंगे और हमें फिर से इस काले अध्याय को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जोड़ने देना। और मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नौजवानों से कहूंगा, आपके हाथ के लिए हमारे श्रम और सेवायोजन विभाग के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। आखिर हमारा नौजवान भी तो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सकता है, ये पहले क्यों नहीं सोचा गया, 2005 में क्यों नहीं सोचा गया, 2010 में क्यों नहीं सोचा गया, 2012 और 2015 में क्यों नहीं सोचा गया। लेकिन 2017 के बाद आज अलीगढ़ का नौजवान भी नौकरी में आता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव कर भी नहीं सकता। हमने पहले कहा है अगर नौजवान के साथ उसकी योग्यता उसकी प्रतिभा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो हम उसको जेल भेजेंगे, सीधे जेल भेजेंगे, उसकी संपत्ति को जब्त कर डालेंगे जो नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो, कौशल विकास विभाग भी काम कर रहा है, साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा विभाग आज आपको वर्ल्ड क्लास आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर देगा, बैनर वायरस के माध्यम से दुनिया का बाजार आपके लिए खुलेगा। उन्हें टैबलेट में स्मार्टफोन दे रहे हैं, याद करिए कि टैबलेट में स्मार्टफोन हम 2 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 2 करोड़ नौजवानों को। और बैनर वायरस 2 करोड़ नौजवान यूपी का उत्तर प्रदेश के विकास और प्रतिभा का आधार बनेगा, तो यही विकसित उत्तर प्रदेश जब हम 17 में आए थे देश की 6वीं 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है और बहुत शीघ्र अगले 3-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है और उसी लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए आया हूं। आपसे एक लेकर आया हूं, हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, एक नौजवानों के हाथ को काम मिलेगा, अन्नदाता किसानों के हाथों को उनके खुशहाल चेहरे पर खुशहाली आएगी और बहन और बेटी खुशहाल होगी और खेत में पानी होगा और हाथ को काम होगा। और इन सब को जोड़ने के लिए आज यहां पर मुझे खैर में आना पड़ा है। बैनर भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, अराजकता गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को भ्रष्ट प्रकृति के तत्वों को, पुष्टिकरण के पोषक तत्वों को, देश के विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है, यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से विकास की इस प्रक्रिया में अलीगढ़ के योगदान के लिए आपके प्रति, अलीगढ़ वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, जिन नौजवानों का स्टैंडर्ड किया गया है इन नौजवानों को बधाई देता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनिए, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के कार्यक्रम को चला रही है। मैं आश्वस्त करूंगा आप जिन नौजवानों को यहां देश के डेवलपमेंट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, अच्छा पैकेज किया प्राप्त किया है, उन्हें बधाई। जो लोग आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए और मैंने आश्वस्त करता हूं ये रोजगार का क्रम लगातार चलेगा। अभी हम 10 विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं, 10 संसदों में कर रहे हैं, ये सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये कैंप लगेंगे, लगातार क्रम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विधायक और सांसद कल तो यहां बैठे हैं, ये लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा, विकास हर द्वार तक पहुंचेगा, योजना का लाभ बराबर सबको प्राप्त होगा, बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। ये
यह आश्वासन आप सबको देते हुए सुरक्षा और सम्मान के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के संग आप भी इस यात्रा में सहभागी बने। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।